हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोशल फ्रेंड यूट्यूब चैनल। यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं टैली ईआरपी 9 के सेशन में प्रोफार्मा, जिसे कहते हैं ऑप्शनल वाउचर। हम टैली में कुछ ऐसे भी काम करते हैं जो हमारे अकाउंट से रिलेटेड भी होते हैं, कुछ नॉन अकाउंट भी होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप कोई काम कर ले रहे हो, ऐसा एक स्लिप बना के दे दो। कोई कस्टमर आता है आपके पास तो कहता है कि एक स्लिप बना के दीजिए, घर पे दिखा के लाएंगे और फिर हम खरीदेंगे बाद में, ठीक है ना। तो वैसे ही कुछ आपको स्लिप बनाना है टैली में। मतलब ये है कि जैसे आप कोई कस्टमर आता है तो आप उसको सामान बेचते हो, बाकायदा उसका रेट, क्वांटिटी, टैक्स लगा के पूरा बेचते हो ना, वैसे ही आपको एक स्लिप बनानी है, ठीक है। स्लिप में सब कुछ इंक्लूड होगा, लेकिन मेन अकाउंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके स्टॉक में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस एक कहते हैं कि डमी बनाना, ठीक है ना, डमी वाउचर बनाना, डमी वर्क करना, ठीक है। वो ऑप्शनल रहेगा, फिर उसको आप बाद में कन्वर्ट करना चाहोगे। जब वो बंदा, जो कस्टमर को आपने मान लो बना के दे दिया प्रोफार्मा, अब वो बंदा देख कर आया, घर पे दिखा कर आया, अब उसको ज़रूरत पड़ेगा तो खरीदे या ना खरीदे, ये उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लो, देखो लिखा है कि दिस इज अनदर नॉन अकाउंटिंग वाउचर, ठीक है। यह एक मेमो होता है, वाउचर से अलग होता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो हम करते हैं, इसमें एक कम्प्लीट ट्रांजेक्शन करेंगे और हमारे अकाउंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट रिकॉर्ड सिंपली मॉडिफाइड, हाँ, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें रिकॉर्ड को अगर हमने ऑप्शनल बना दिया है ना, तो उस ऑप्शनल को हम क्या कर सकते हैं, रेगुलर मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं कैसे हम टैली ईआरपी 9 में पूरा काम करेंगे। पहले हम कुछ सामान खरीदेंगे, सामान खरीद कर रख लेंगे और फिर हम अपना आगे काम करेंगे, ठीक है। सेल, क्योंकि इसमें देखो मेन बेसिस काम होता है परफॉर्मेंस, मतलब सेलिंग करना, ओके। ये हमारे पास टैली ईआरपी 9 का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.4.9 है, ठीक है ना। तो इसमें मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। तो हमारे पास एक कंपनी है सोलर एनर्जी शॉप के नाम से। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम गए इन्वेंट्री इन्फो में, यहाँ पे स्टॉक आइटम लेकर बना लेते हैं, ठीक है। स्टॉक आइटम में क्या करना है, एक चीज़ ख्याल रखना कि जब भी आप काम करो ना, आपको देखो माल खरीदना है, बेचना है, दोनों काम करना है ना, तो यहाँ पे पहले एफटोल कर लो। जिससे क्या होता है कि जब आप सामान बेचो तो इसका जो रेट हो ना ऑटोमेटिक आ जाए। तो यहाँ पे लिखा है कि इनेबल स्टैंडर्ड, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ चीज़, ठीक है, ये दिख रहा है ना, इनेबल स्टैंडर्ड रेट। तो इसको क्या करना होगा, आपको यस करना होगा, ठीक है। इसको यस कर लो, इसको हमने वाई प्रेस करना है और इसको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ लिख दो, मान लो हमें एक क्वेश्चन हमारे पास है, सोलर प्लांट खरीदना है, ठीक है, सोलर घर पर लगाना है, तो आपको सोलर प्लेट चाहिए, बैटरी चाहिए, वायर चाहिए और LED बल्ब चाहिए, फैन चाहिए, ठीक है। ये कंप्लीट सेट मिलता है, तो इसको हम बनाएंगे यहाँ पे, ओके। तो हम बनाते हैं डबल सोलर प्लेट, ठीक है, हमने बना दिया और इंटर करके यहाँ पे हम सेट करेंगे। ये क्या है, सोलर एनर्जी, एक ग्रुप के अंतर्गत आएगा, इसको हम सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद इसको यूनिट डाल दो आप पीस में, पीस में देने के बाद इसको कर दो फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम मतलब क्या है, इसका पूरा नाम, ठीक है, हमने दिया इसका पूरा नाम, इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट है, मान लो ये जो इसको खरीदा गया, जो सोलर प्लेट है खरीदा गया, कॉस्ट यहाँ पे सेट कर सकते हो और बेचने वाला कॉस्ट भी आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सपोज लेट मान लो आपके पास इसको खरीदा गया रेट है सोलर प्लेट, ये सोलर प्लेट 12,000 रुपये खरीदा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये खरीदा गया कॉस्ट हो जाएगा, या कह दो इसको 11,000 खरीदा गया, ठीक है। देखो ये परचेस कॉस्ट हो जाएगा, यानी टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये बेचने वाला जो बेचा जाएगा, ठीक है ना। तो इसको क्या करो आप, इसका रेट निर्धारण कर दो कि ये हम बेचना है 12,000 में, ठीक है, क्लियर। इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद देखो यहाँ पे पूछा है ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन जो होगा, यहाँ पे क्वांटिटी पूछ रहा है। तो देखो हमारे पास अभी नया कंपनी हमने बनाया है, तो इसमें हमारे पास क्वांटिटी में नहीं है। देखो आप दो ही केस में सामान बेच सकते हो, या तो आप मैन्युफैक्चरर हो खुद बनाने वाले, या आपने माल किसी से खरीद करके रखा है, क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम कुछ स्टॉक में रख लेते हैं, यानी 30 पीस हमने रख लिया, ठीक है, सेव कर लो। यहाँ पे हम रेट वगैरह कुछ अभी सेट नहीं करना है, हमने सोलर प्लेट ले लिया, अब कहते हैं बैटरी लेना है, ठीक है, बैटरी ले लिया और सोलर एनर्जी, ठीक है, इसका डिपार्टमेंट रहेगा, यानी अंडर ग्रुप रहेगा, पीस में ले लो और स्टैंडर्ड रेट इसका यस कर लो। अब देखो ये बैटरी खरीदा जा रहा है, बैटरी का रेट अब लगा दो यहाँ पर क्या, कि इसका खरीदी जो खरीदा गया कॉस्ट है 14,000 का, ठीक है, और इसको बेचने में कितना है, इसको 15,500 को बेचना है, क्लियर, सेव करो। यहाँ पे क्वांटिटी कर लो कि आपके पास बैटरी का स्टॉक कितना है, ये भी आपके पास 20 पीस है,
ठीक है, सेव करो। इसके बाद क्या करना है, बैटरी हो गया, आपको चाहिए अब वायर, ठीक है ना, आपको चाहिए ट्विस्टेड वायर, ट्विस्टेड वायर, ठीक है। यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिख सकते हो, हैवल्स, सेव करो। इसको सोलर एनर्जी में ऐड करो, पीस में डालो, सॉरी पीस में नहीं हो सकता, ये किसमें होगा, ये होगा, ये होगा हमारा क्या, मीटर में, ठीक है ना। तो अल्ट सी प्रेस करो, और अल्ट सी जब प्रेस करोगे ना तो आप इस चीज़ को बना सकते हो। हमने बनाया एम टी आर, क्लियर, यानी लिख दो मीटर इसका पूरा नाम। जो सेव करो, सेव करने के बाद स्टैंडर्ड रेट सेट कर लो कि इसका जो खरीदा गया कास्ट क्या होगा और बेचने का कास्ट क्या होगा। तो आपने 16 रुपया पर मीटर खरीदा है, ठीक है, और इसको बेचना है आपको कितना, 20 रुपये में, क्लियर। सेव करो इसको, सेव करने के बाद इसको आप लोग लो कि आपके पास 500 मीटर है, क्लियर ना, या कर लो यहाँ पे 1000 मीटर आपके पास स्टॉक में है, इसको सेव कर लो। सेव करने के बाद क्या करो, देखो हमने बैटरी बना लिया, प्लेट बना लिया, वायर बना लिया, अब बनाने के LED बल्ब चाहिए, कितने वाट का, 10 वाट का। तो हमने क्या किया, लिख दिया 10 वाट्स। इसको हम क्या करना है, यहाँ पे आप कंपनी का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ सोलर एनर्जी की बात करेंगे, यहाँ पे हम पीस में खरीदेंगे, इसको यस करेंगे, और इसका जो खरीदा गया कॉस्ट है वो 85 में, इसको बेचना कितने में, ये हमें बेचना है 100 में, ओके। सेव करो और स्टॉक में रख लो कम से कम 30 पीस आपके पास स्टॉक में है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना, यानी ऑलरेडी आपके पास है। इसमें क्या होता है, जो ऑप्शनल वाउचर होता है हम सेल करते हैं, ठीक है। सेव करो इसको, देखो हमने चार सामान खरीद लिया, ठीक है, और एक हमें चाहिए टूल बॉक्स भी चाहिए ना, ठीक है, तो उसको पूरा पूरा टूल सेट चाहिए, लिखा टूल बॉक्स, इसको सेट कर लो सोलर एनर्जी के नाम से। और ये किस में चाहिए, सेट में चाहिए, कि एक सेट, दो सेट, तीन सेट, ठीक है ना, लिखो सेट। सेव करो, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट लगा दो इसका, इसका जो खरीदा गया कॉस्ट क्या होगा, बेचा गया कॉस्ट क्या होगा, लिख दो 950 रुपये, और इसको बेचना कितना, 1050 में, ठीक है, लिख दिया आपने 1050। सेव करो इसको, और आपके पास इसका टूल सेट कितना है, 20 सेट है, ठीक है, सेव करो। जब ये बन जाए अब बैग जाओ, बैग गए तो अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने बनाया है वो स्टॉक में कहाँ गया। आप डिस्प्ले पे जाना, डिस्प्ले पे जा करके यहाँ पे लिखा होता है इन्वेंटरी बुक्स, क्लिक करिएगा और स्टॉक आइटम जाइएगा। देखिए अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ बैटरी, आप देख सकते हो ध्यान से, यानी 20 पीस है ना क्लोजिंग स्टॉक में टोटल, ठीक है। और ये जितनी भी चीज़ें होंगी, जैसे डबल सोलर प्लेट है, ये देखो जितना हमारे पास था ना 30 पीस है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि अगर हम काम करते हैं तो ये रिमूव होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम क्या किए, अकाउंटिंग वाउचर पे ओपन किया हमने और प्रेस किया हमने कंट्रोल, सॉरी देखो इसको यस करने के लिए क्या एक तरीका है हमारे पास, हम प्रेस करेंगे F11 और F1 प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ लिखा होगा, ठीक है। देखो यहाँ ये चीज़ मैं दिखा देता हूँ आपको, आपको क्या करना होगा, इस चीज़ को यस करना होगा, ठीक है ना, रिवर्सिंग जर्नल को, इसको आप क्या करोगे, यस कर लेना, ठीक है। लिखा यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर, ठीक है, इसको क्या करना है हमें, यस करना है, हमने यस किया इसको, सॉरी इसको यस किया और इसको सेव कर लिया, बस इतना ही करना है। अब देखो सेल वाउचर में आ गए, अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एल करेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, ऑप्शनल लिखा हुआ है ना, ओके, आप देखना चाहते हो तो देख लेना आराम से, ये चीज़ ये ऑप्शनल लिख रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें नॉर्मली काम करनी है, हमने लिखा बिल नंबर सेम बना देंगे, एकदम सेम, ठीक है। तो हमारी कंपनी है सोलर के नाम से, तो हमने क्या किया, लिख दिया एक बिल नंबर देना होगा हमें ना, ठीक है। देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बिल नंबर देंगे अपना, हमने दिया बिल नंबर 0113, ठीक है। और यहाँ पार्टी की बात हो रही है, किसी को बेच रहे हैं ना, किसी कोई कस्टमर का नाम बना सकते हो यहाँ पर, तो कस्टमर का नाम देते हैं, अलग्सा सी किया हमने, और हमने बना लिया रंजीत गुप्ता, ठीक है। इनको कर दिया हमने सन्ड्री, क्योंकि हम सामान बेच रहे हैं, ये रिसीव करने वाले हैं, तो सन्ड्री डेप्टर हो जाएंगे, और इनका एड्रेस लिख दिया हमने बलिया, ठीक है। और इसको हमने सेव कर लिया, इनका हम डिटेल यहाँ पे दे देंगे पूरा। और अगर हम इनका पूरा डिस्पैच नंबर, ऑर्डर नंबर, ये सब चीज़ें हम पूरा फिट कर लेते हैं ना, ठीक है, इनको ये ज़रूरत होता है, अगर सामान अगर भेज रहे हो कहीं पे, ऑर्डर नंबर क्या था वगैरह, तो इसको फीड नहीं करना है, छोड़ दो बिल्कुल, ठीक है। सेल लेजर के बारे में पूछ रहा है, यहाँ देखो इस पर टैक्स भी लग रहा है, ठीक है, तो टैक्स कितना लग रहा है, मान लो GST के हिसाब से लग रहा है, यदि हम इसमें टैक्स वगैरह लगाते हैं तो भी हम उसको देख लेंगे, ठीक है ना। अलग सा सी किया हमने,
हम यहाँ प्रेस करेंगे, लिखेंगे सेल्स अकाउंट, और हमें क्या करना होगा, देखो एक्सिस अगर F11 करो और F3 कर लो, अगर आप GST वगैरह लगाना चाहते हो ना तो इसको यस कर लो। और यहाँ पे क्या करना है हमें, देखो बैक करो, मैं फिलहाल मैं GST का पूरा प्रोसेस अलग तरीके से बताऊंगा, ठीक है, यहाँ परेशान मत होना। यहाँ पे ऐसा कुछ हमें नहीं करना है, इसको सेव कर लेंगे हम, है ना, इसको अब केयर मत करो उतना, बस इतना जान लो कि ओनली हमने GST को यस किया है, ठीक है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सेव कर लेंगे। और इसको हमने सेव किया हमने, अगर पहले वैट लगता था तो वैट भी इस पर लगा सकते थे, लेकिन हमें क्या करना होगा, हमने बनाया सेल्स एट द रेट, मान लो 5% लग रहा है टैक्स, ठीक है, इसको लगा दें यहाँ पे 5%। और यहाँ पे क्या करना है हमें, सेल का सेल ऐड कर दो, इसको यहाँ पे करना क्या होगा, हमें अप्लीकेबल करके GST रेट को सेट करना होगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा इस चीज़ को हमें, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, नेचर जो हमारा होगा, देखो यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोकल सेल बेचते हैं, हमने क्या किया, सेल्स टैक्सीबल कर लिया और इस पर 5% टैक्स लगा दिया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा हमें, 5% लगाए, सेव कर दो इसको, गुड्स है, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, हमें सेल्स 5% लगाया, आइटम हमारे पास यहाँ सामान दिख रहे हैं, यहाँ सोलर प्लेट लिया, कोई बंदा आया जो ऑर्डर किया, 2 सोलर प्लेट चाहिए उसको, देखो जो हमने स्टैंडर्ड रेट लगाया था ना तो बाय डिफॉल्ट ले लिया 12,000 रुपये। इसके बाद यहाँ पर और आएगा, जिसे हमने दे दिया बैटरी, ठीक है, बैटरी कितना चाहिए उसको, 1 चाहिए। इसके बाद बैटरी के बाद हो गया हैवेल्स, ठीक है, LED वॉट चाहिए कितना आपको, इसको 5 बल्ब चाहिए। इसके बाद टूल बॉक्स चाहिए 1 सेट इसको चाहिए। इसके बाद ट्विस्टेड वायर कितना चाहिए, इसको चाहिए ट्विस्टेड वायर 60 मीटर, ठीक है, हमारे पास आइटम बन चुके हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, 1, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमारे पास सामान बन चुके हैं। अब ध्यान देना क्या होगा, यहाँ पे हम इंडेप लिस्ट करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे ऑल्ट के साथ सी करेंगे, हम यहाँ बनाएंगे, देखो हम GST बना रहे हैं ना, तो CGST, और इसको ड्यूटी टैक्सेस में डालेंगे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे GST, और क्या चीज़ है ये, सी फॉर सेंट्रल होता है, सेंट्रल टैक्स लगाए, ठीक है, इसको हम सेव कर लेंगे। अगर यहाँ डिक्लेयर करना चाहते हो तो डिक्लेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और ना अगर डिक्लेयर नहीं करना चाहते हो तो छोड़ दो 2.5%, ठीक है, देखो ये ऑटोमेटिक आ गया यहाँ पर। अब CGST हो गया तो यहाँ पे बनाओगे अलग से सी SGST, ठीक है ना, SGST बना लो, यानी स्टेट गुड सर्विस टैक्स ड्यूटी टैक्सेस, और यहाँ से लिख लिया GST, यहाँ पर सी पे सेंट्रल प्रेस करो, यहाँ लगा 2.5%, इससे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका काम, ठीक है। ये देखो आपने पूरा प्रोफार्मा बना दिया, यानी 42,250 रुपये टोटल कास्ट आया, जिसमें ये आपको दिख रहा है ना 2.5% इन टोटल, 5% इंक्लूड होकर के ये यहाँ पर 44,362 रुपये का टोटल प्रोफार्मा बन जाएगा। इसको कंट्रोल एल में रखना था, सॉरी, देखो यहाँ पे ऑप्शनल हमारा हट गया था, हमने ऑप्शनल रख लिया है ना, क्योंकि ये हमारा सामान जो बिकेगा ऑप्शनली बिकेगा। अगर देखो यहाँ पे दो दो पीस जो हमने दिया ना 60 मीटर, तो वहाँ पे घटना चाहिए स्टॉक में, ये घटेगा नहीं, ठीक है, यही हमारा काम होगा। इसको हम सेव कर लेंगे, इसको हमने सेव कर लिया, ठीक है। अब देखो बैग जाते हैं, हम बैग जाने के बाद हमें क्या करना होगा, अब देखो आप डिस्प्ले पर जाओ, सीधा सीधा डिस्प्ले पर जब जाओगे तो यहाँ पर लिखा होगा इन्वेंट्री बुक, और स्टॉक आइटम पर जाओगे, बैटरी चेक करो, देखो ये आपके पास 20 का 20 पूरा पैसा है, ठीक है ना, आपने सामान बेच दिया ना, देखो मैं दिखाता हूँ एक बार फिर से, डबल डी प्रेस किया मैंने, ये यहाँ पे हमने क्या किया, ऑप्शनल किया है, डे बुक देखने के लिए हम देख लेंगे। यहाँ पे अगर हमारे पास स्टॉक में था काफ़ी, ठीक है ना, सामान, तो यहाँ पे देखो दो दो पीस तो गया है ना, ठीक है, तो मतलब ये समझ में आया कि ऑप्शनल वाउचर क्या होता है, डमी वाउचर होता है, यानी नॉन अकाउंटिंग वाउचर होता है, इसका कैलकुलेशन कहीं जुड़ता घटता नहीं है, बस एक प्रोफार्मा आप बना के किसी जो कोई बंदा आता है उसको आप देते हो, ठीक है। और इसको फिर से देखना चाहो, देख लो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में जाओ, इन्वेंट्री बुक्स में जाओ, स्टॉक आइटम में गए, यहाँ पे बैटरी चेक करो, अपने बैट 20 पीस देख लिया, डबल सोलर प्लेट देखो 30 पीस आपके पास स्टॉक में था, और आपके पास जो वायर था कितना था, देखो 100 मीटर था ना, 100 मीटर टोटल है, ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुआ। ओके, अगर आप कुछ देखना चाहते हो और भी चीज़ें, ठीक है, यानी क्या देखना चाहते हो, बैलेंस शीट वगैरह, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम, देखो एकदम नील है,
है ना, अगर सामान बिकता है तो यहाँ दिखता है ना बैलेंस शीट में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सेशन कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ हो तो, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।